एस अभी जैसे उन्होंने उनके रिपोर्ट में मेंशन किया कि उनके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो वहाँ पे जो 7 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का जो उनको उनके लेटर में रिपोर्ट उन्होंने दिखाया है कि जिसको मैं मतलब वायलेट करके गया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ से जा रहा था, मैं जमसान से ही गया था, तो यहाँ पे बीच में 7 चेक पोस्ट थे इनके, नहीं एंड यहाँ पे कोई इनका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मेरे को नहीं मिला, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ पुलिस पर्सनल्स थे, बट उन्होंने भी बॉदर नहीं किया इतना बोलने का कि यू आर नॉट अलाउड। कि जब अगर वहाँ से कोई बंदा मेरे को बोलता है कि अगर यहाँ से आप नहीं जा सकते हो, मैंने वहीं से वापस आना था। फेयरली कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे कोई उनका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था नहीं। बिल्कुल अंटिल नारंबी जो उनका लास्ट चेक पोस्ट था, वहाँ पे भी कोई उनका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं था। जो उनके रिपोर्ट में कहा कि था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं था, वहाँ पे भी 3 पुलिस पर्सनल्स थे जिन्होंने रोका, एंड आई स्टॉप देयर। मैं वहीं पे रुका और एसपी साहब से मैं कांटेक्ट में था, तो मैंने वहां पे एसपी साहब को कॉल किया कि मेरे को यहाँ पे रोका, अब मैं यहाँ से अंदर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। एसपी साहब ने कहा कि मैं डीसी साहब को कॉल करता हूँ, आपको कंफर्म करके 2 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ। वहां से एसपी साहब का मेरे को 2 मिनट बाद कॉल बैक आया कि आप ये जो जोन में है नहीं जा सकते हैं, और ये मैंने सीसी साहब को भी इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने कहा कि आप इस जोन में नहीं जा सकते हैं। तो मैं वहीं से वापस आ गया। अब वहां से वापस आते टाइम आई हैड टेलीफोनिक ये हुआ, हमारे बीएमओ साहब से मेरी बात हुई, तो फिर आउटसाइड कंटेनमेंट जोन हम यहाँ पे लंगर से वाली साइड अब मिले। मैं बीएमओ साहब से मिला, जो कि उनके उनके रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया था। अब उनके रिपोर्ट में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था नहीं और उनको पता नहीं है। तो मैं उनसे मिला, तो उनसे मैंने ये बातें की कि मतलब आप यहाँ पे फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड कर रहे हो, स्टेटस क्या है कोविड-19 का, क्योंकि वो एक हमारा जोन है जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे एक खतरनाक हमारा वो एरिया है। हमने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्या स्टेटस, और बाकी हेल्थ इमरजेंसीज के लिए आप क्या कर रहे हैं, जिनके लिए उन्होंने मेरे को कहा कि उन्होंने अलग अलग जगहों पे टैक्सीज रखी हैं, उन्होंने प्राइवेट टैक्सीज हायर की हैं ताकि मतलब यहाँ पे पब्लिक को इमरजेंसी में कोई दिक्कत ना हो। फिर वहां से मैं वापस आ रहा हूँ, उसके बाद थर्ड एलिगेशन मेरे के ऊपर लगाया है कि एनटीपीसी ट्रस्टपोन पे मैंने पब्लिक गैदर किया। तो जब मैं वापस आ रहा था, आई सॉ कि वहां पे आउटसाइड एनटीपीएससी ट्रस्टपॉन कोई पुलिस पर्सनल नहीं है, वो सब सेंटर है। और एक ट्रस्टपॉन जो है, एज इसी हेल्थ आई नो, एज अ लोकल रेजिडेंट आई नो कि वो कितना पॉपुलेटेड एरिया है, वहां पे कितना पॉपुलेशन है, वहां पे तो बंदा होना चाहिए था। वहां पे अंदर लाइन लगी थी, वहां पे भीड़ था, तो मैं वहां से उतरा। वहां से उतरने के बाद मैं अंदर गया, वहां पे डॉक्टर जाकिर साहब थे। मैंने उनसे बात की कि यहाँ पे भीड़ क्यों है, तो ही सेड कि हम यहाँ पे इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनकी बात सही भी है क्योंकि एक डॉक्टर का काम इसको कंट्रोल करना नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि अभी ठीक है, आई विल इन्फॉर्म एसपी साहब। तो वहां से मैं डायरेक्ट निकलता हूँ। निकलने के बाद मैंने एसपी साहब को कॉल किया, सीसी साहब को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है। एंड आफ्टर जब मेरे एसपी साहब से बात हुई, सुन मतलब 10-15-20 मिनट के बाद वो मेरे को उन्होंने व्हाट्सएप पे पिक भेजी, वो मेरे पास है अभी भी, कि वहां पे उन्होंने 2 पुलिस पर्सनल डिप्लॉय किए हैं। एस आई एम द एग्जीक्यूटिव काउंसलर ऑफ हेल्थ, मेरा ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी था देखना, इंश्योर करना कि मेरी जो जनता है, मेरी जो पब्लिक है, जिन्होंने मेरे को इलेक्ट करके यहाँ भेजा है, मुझे इंश्योर करना है किसी भी हालत में कि उनको सिर्फ मेरा कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है, आई हैव टू इंश्योर कि उनको किसी भी मेडिकल फैसिलिटी इमरजेंसी से रिलेटेड उनको हर चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सब क्या चाहते हैं कि मतलब मैं घर पे बैठा रहूं, दैट्स ओके। अभी जो हमारे खिलाफ एलिगेशन लगाया है और ये चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ये चाहती है कि हम घर पे बैठ के आराम से बैठे रहें और जो फ्लॉस है या इनकी जो कमियां हैं इसके बारे में किसी को कुछ ना बताएं। इफ दैट्स द रीजन, अगर ये ऐसा करने वाले क्या करना चाहते हैं कर रहे हैं, सर इट्स ओके, मैं घर पे ही बैठा रहूंगा। उसके बाद जब यहाँ पे कोई फेलियर हो, जब कोई इमरजेंसी सिर्फ ये कोविड-19 के बगैर भी हमें देखना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे ये सवाल है कुछ कि आपके, अगर जब मैं जा रहा था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई क्यों नहीं था, अगर मैं एक नाका तोड़ रहा हूं तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने आपको उसी टाइम पे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। चलो मैं जमस्तियांग से जाता हूं, मिंजी पहुंचता हूं, मिंजी वाले जमस्तियांग ने मिंजी वाले को इन्फॉर्म करना था, भाई 7 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, क्या ये कोई जोक है या कोई मजाक है कि मतलब 7 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को मैं पास करके जा रहा हूं एट दे रिपोर्टिंग की वायलेट में कंटेनमेंट जोन में फोर्सफुली एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई मजाक है क्या? सर आई एम एजुकेटेड एनफ, मेरे को इतना पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ पे फॉलो करना है, इसलिए अगर जब मैं अगर इनको फॉलो नहीं करता तो मतलब एसपी साहब को कॉल करके लास्ट पोस्ट पे मैं क्यों कहता कि सर मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। और अगर मैंने वहां पे पब्लिक एनटीपीएससी रेस्पॉन्स पे अगर पब्लिक मैंने गैदर किया होता तो वहां पे मैं एसपी साहब को कॉल क्यों करता? अगर मैं पब्लिक गैदर कर रहा हूँ और मैं एसपी साहब को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे पुलिस भेजो कि यहाँ पे पब्लिक गैदर हो गई है,
ये अभी कोई टाइम नहीं है कि ब्लेम गेम खेलने का। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर एक लूप होल को देखें, कहाँ पे लूप होल्स हैं उसको क्लियर करके एक अच्छा सा एक काम करने की कोशिश करें। एंड हियर आई वांट अ रिक्वेस्ट टू आर ऑनरेबल सीसी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, कि सी सर आई हैव दिस प्रोटोकॉल, यहाँ पे मेरे पास एक पोर्टफोलियो है जहां पे मेरे पास सबसे मेन मेरा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मेरे पास क्या है, हेल्थ। अगर आप मेरे को यहाँ पे काम नहीं करना करने देना चाहते, देन आई एम विलिंग टू सरेंडर दिस हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके बाद आप लोग खुद ही संभालिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक दो चीजें जानने की जरूरत है, डीसी काउंसिल को फॉलो करेगा या काउंसिल डीसी को फॉलो करेगा। हमारी गवर्नर साहब से भी इल्तिजा है कि आप बताएं कि काउंसिल को डीसी को फॉलो करना है या डीसी को काउंसिल को। अगर वो बताएंगे कि डीसी हमारे अगर ये डीसी को फॉलो करना है तो एलएचडीसी क्यों है, अब खत्म कर दीजिए ना सर। हम यहाँ पे अगर हमें कोई पोर्टफोलियो मिलता है, इट्स आर मॉरल ड्यूटी जितना हो सके उस डिपार्टमेंट के लिए काम करना। और अभी तो मतलब एक ये इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट मीडिया से दूर रहना, जितना हो सके अंदर से काम करना, जितना हो सके देखना, इंश्योर करना कि मेरे पब्लिक को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हर एक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे हमारा टेंशन है कि हम अभी यहाँ से जोजिला से मतलब ये जो सामान वगैरह लाने, ये अभी मैं तो उनकी चीजों के ऊपर सोच रहा था, लेकिन जब मैंने ये देखा तो ये ब्लेम गेम क्यों। अभी हम सबको मिल के अभी हमें यहाँ पे काम करना है COVID-19 के आगे, इसके साथ लड़ना है हमें, हम सबको मिल के। बट यहाँ पे इन्होंने एक ब्लेम गेम स्टार्ट किया है, डेट्स वाई आज मैं मजबूर हो गया हूँ यहाँ पे आप सबके सामने आके ये सब बताने के लिए। यहाँ पे मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, सी वी आर ए टीम, हम यहाँ पे कोई काउंट दुश्मन नहीं है कि जो एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सी हमें यहाँ पे एक टीम की तरह काम करना और यहाँ पे किसी भी तरीके से हमें अपने डिस्ट्रिक्ट को बचाना है। और टिल नाउ हमने बहुत अच्छा काम किया है, कारगिल अभी बहुत अच्छा काम, लद्दाख पूरे लद्दाख ने बहुत अच्छा काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आखिर में कोई ऐसा काम करके हमें, मैं सोचता हूँ कि ये सब हमें चीजें नहीं करनी चाहिए। और जो अभी इन्होंने एलिगेशन जो लगाए हैं इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से हमारे जो एडवाइजर साहब है उनको भी अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए। वो ऐसे बिना सोचे समझे मतलब कोई ऐसे ही एलिगेशन नहीं लगा सकते। एस आई एम ऑल्सो अ पर्सन कि मेरी भी कोई इज्जत है और मेरा एक प्रोटोकॉल है, पोर्टफोलियो है, तो मेरा भी इंश्योर करना बनता है।